हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मून वाइंस। आज की वीडियो है कोई फनी नहीं होने वाली, आज की वीडियो है सिर्फ और सिर्फ सीरियस होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल सके। फ्रेंड, आज से कुछ 10 दिन पहले शिफा को जो है स्टमक प्रॉब्लम हुआ और उसका कुछ हल्का हल्का गला भी दुख रहा था और हल्का हल्का उसको जो है फीवर था। हमने देखा तो फिर हम जो है डॉक्टर के पास उसको लेके गए, तो डॉक्टर ने उसको दवा वगैरह दी, तो फिर अगले दिन जो है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई। फ्रेंड, फिर जो है हम शिफा को जो है ना दोबारा डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि उसकी जो है तबीयत ख़राब थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर डॉक्टर ने शिफा को जो है एडमिट किया, फिर उसके बाद शिफा को ड्रिप वगैरह लगवाई। तो ड्रिप वगैरह लगवाने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद, एडमिट जब ये वापस घर आई, कुछ तबीयत जो है बेहतर थी शिफा की, लेकिन इसका जो है सांस वाला मसला जो है सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर हम जो है काफ़ी ज़्यादा डर गए, इसीलिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड भी बहुत ज़्यादा जो है फैल रहा है, हमारी सिटी में भी फैल रहा है, आपके सिटी में भी, पूरी दुनिया में ही कोविड जो है फैल रहा है। फिर हमने एहतियात के तौर पर शिफा का जो है कोविड टेस्ट करवाया। तो फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा की तबीयत अब जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। पहले जो है उसको सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, अब जो है बहुत कम है उसकी प्रॉब्लम। अभी जो है उसकी कोरोना रिपोर्ट नहीं आई है, जैसे ही कोरोना रिपोर्ट आएगी मैं जो है आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, बल्कि शिफा ही आपको बताएगी वीडियो में कि अल्लाह करे बस ना ही हो उसको कोरोना। और मम्मा जो है उसके साथ ही रहती है, अल्लाह का शुक्र है, मम्मा को, हम सबको, किसी को कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कोरोना नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमने जो है उसकी जो है टेस्ट, जो कोविड टेस्ट जो हमने उसका करवाया है। तो अब ये शिफा की आप वीडियो देखें कोविड टेस्ट की। तो फ्रेंड, शिफा जो है अब डॉक्टर के पास आ गया ट्रीटमेंट के लिए। और ये फ्रेंड्स, कसम से यार, ये डॉक्टर इतने ज़्यादा अच्छे थे, इतने ज़्यादा अच्छे थे। इन्होंने जो अपने पर्सनल नंबर हमें दिया था कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे एक दफ़ा कॉल कर लेना। हमने जो है रात को भी इनको कॉल की थी, है ना। तो फिर ये डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इन्होंने हमें अच्छी तरह समझाया, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब जो है शिफा का, इन्होंने जो कहा कि ना ड्रिप लगेगी, तो अब जो है शिफा का ड्रिप लग रही है। वैसे तो डॉक्टर ने कहा था इसको कोरोना वायरस नहीं है, फिर भी हम जो है इसका टेस्ट करवा रहे हैं। कोविड का एहतियात भी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि कोविड जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसको जो है सांस का काफ़ी ज़्यादा इशू था। तो अब ये जा रही है कोविड टेस्ट के लिए। तो ये पहुंच गए हैं कोविड टेस्ट के लिए। अब जो है शिवा वेट कर रही है शिवा का नंबर कब आए, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रश था। मम्मा मुझे बता रही थी, मैं तो साथ नहीं गया था, लेकिन मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो अब आ गई है वो घड़ी जब होगा शिफा का टेस्ट। शिफा तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि क्या होगा, मुझे दर्द होगा। चलो तो ये देखो आप फिर। चलो बेटा, मुंह बंद रखना बिल्कुल, ठीक है, ना खांसना है ना छींकना है, बस 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 बस। तो फ्रेंड, शिफा का जो है कोविड टेस्ट हो गया था। जितना ये डर रही थी, इतना ज़्यादा इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बहुत ख़तरनाक है कोरोना वायरस। ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं, भीड़ वाली जगह पर मत जाएं आप। ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ करें, जैसे ही आप बाहर से आते सैनिटाइज़र करें। फ्रेंड, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, मम्मा बता रहे थे जैसे हम गाड़ी से उतरते थे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी, क्योंकि गाड़ी में जो है एसी लगा हुआ था, और बीच का रास्ता क्रॉस कर जो है हॉस्पिटल में जाना था, हॉस्पिटल में भी एसी था और गाड़ी में भी एसी था। अब बीच का रास्ता क्रॉस कर जो है हमें गाड़ी के अंदर जाना था, तो बस ना ही पूछे, मामा कह रही इतनी ज़्यादा गर्मी थी। बस ये भी लाजमी था इसका कोविड का टेस्ट, क्योंकि एहतियात जो है अच्छी चीज़ होती है। आप सब जो है प्लीज़ शिफा के लिए दुआ कीजिएगा। वैसे तो है वो बिल्कुल ज़्यादा ठीक है, जब तक कोरोना रिपोर्ट नहीं आती जब तक जो हम वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही कोरोना रिपोर्ट आएगी, बस अल्लाह करे ना ही हो कोरोना, तो फिर हम आपको जो है ज़रूर अपडेट देंगे। तो तब तक के लिए बाय।